देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छता को लेकर के अभियान भी चलाया है और कई चीजों का उद्घाटन भी किया। जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीबन 3 से 4 लाख जो जनता है वह सफर करती है, स्टेशन पर उनके लिए ना तो बैठने की ढंग की व्यवस्था होती है, उनको देखते हुए करीबन 400 सीटिंग का एसी हॉल नॉन एसी हॉल दोनों ही यहां पर आज उद्घाटन किया गया कि आम जनता यहां पर इत्मीनान से अपनी ट्रेन का इंतजार कर सके और इनका सफर अच्छा हो। यात्रियों से भी जब बात की गई तो ट्रेन का भी कहना है कि जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है काफ़ी अच्छा सुविधा है और साफ़ सफाई है। अगर इसी तरह साफ सफाई यहाँ पर रहती है आगे भी तो हम यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। फिर से दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। रोल एक 4-5 लाख यात्रियों का फुटफॉल यहाँ पे होता है, ऐसे में बेहद ज़रूरी था ये कदम जो रेलवे की तरफ से लिया गया है। जी, रेलवेज का तो जो इम्प्रूवमेंट है मैं पिछले 5-6 साल से लगातार देख रही हूँ और वो देखते ही बनता है, चाहे शौचालय की बात है, गाड़ी में चलित गाड़ी में शौचालय जो इम्प्रूव किया है बायोडाइजेस्टर्स के साथ और तमाम सुविधाएं कि वो अब गंदगी देखनी नहीं पड़ती जब आप रेलवे ट्रैक पार करते हैं, ये बहुत बड़ा काम था। और जो सुख सुविधा दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली कैंट पे और सराय रोहिला जो मेरे क्षेत्र के हैं वहाँ पर दी गई है उसके लिए मैं रेलवे को धन्यवाद देना चाहती हूँ। चाहे स्काई वॉक्स हैं, चाहे फुट ओवर ब्रिजेस हैं, या साफ़ सफाई है, टॉयलेट मेंटेनेंस है, कुली के लिए सुविधा है, ऑटो ड्राइवर्स के लिए सुख सुविधा है, यात्रियों के लिए पीने का पानी, एसी रूम्स, ब्यूटिफिकेशन, सब कुछ जो है इतने बेहतर तरीके से किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछली बार एक फ्लैगिंग ऑफ के समय एक नई ट्रेन चल रही थी तो मैंने ऐसे ही चलते हुए कह दिया था कि अगर एयरपोर्ट्स भारत की धरोहर है तो रेलवे स्टेशन भी भारत की धरोहर है और यहाँ पर मुझे एक नेशनल फ्लैग चाहिए। तो वो नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ पाया क्योंकि वो शायद उस समय लगा होगा जब चुनाव चल रहे थे तो उसका एक औपचारिक इनॉग्रेशन नहीं हो सकता था, मगर आज मैं वापस आई यहाँ पर और उस झंडे को लहराता हुआ देखा तो मन बहुत प्रसन्न हुआ। और रेलवे स्टेशन का जो इम्प्रूवमेंट है वो देखते ही बनता। मैम, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर के भी रेलवे प्रीमाइसिस में किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? तो आपके बात से पहले हम उसी पर जिक्र कर रहे थे और मैंने कुछ विषय डिस्कस किए हैं DRM साहब से और सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो हम लोग बैन करने ही जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा विषय है वो पैकेजिंग इंडस्ट्री का है क्योंकि आप कुछ भी खाने का सामान लेते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, नूडल्स खरीदते हैं, वो सब पैकेजिंग रिलेटेड है और जब तक पैकेजिंग इंडस्ट्री अपने आप को नहीं सुधारती तब तक हमारी तरफ से इम्पोजिशन जो है वो कई लोगों के लिए अधिक दुखदायी होगा। कुछ शिफ्ट हमको भी करना है और जिसमें पहला शिफ्ट तो ये है कि जितनी भी रेलवे की मीटिंग्स होती हैं, इंडोर मीटिंग्स होती हैं या कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या बाकी चीज़ें रहती हैं उसके अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी सर्व नहीं किया जाएगा और जग्स और बॉटल्स शीशे की के माध्यम से ग्लासेस के साथ पानी सर्व किया जाएगा। और जो ट्रैवल में यात्री पानी लेके जाते हैं उनसे अभी हम कुछ बात कर रहे थे कि उसमें भी कुछ वार्निंग या कुछ ऐसी चीज़ें हम उसमें डालें। और वापस इनका कलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है, इन्होंने जो वापस रीयूज़ बॉटल है उसको 100% कलेक्ट करने की कोशिश की है और स्वच्छता की दृष्टि से सेग्रीगेशन ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट गीला कूड़ा सूखा कूड़ा उसका भी इन्होंने यहाँ पर प्लांट लगाया है और NGOs के साथ मिलकर उस विषय पर भी काम कर रहे हैं। तो चौतरफा विकास जिसको कहते हैं एंड टू एंड वो लोग जा रहे हैं और मैं इसके लिए इन सब अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये सही मायने में माँ भारती की अपने काम के द्वारा सेवा कर रहे हैं। मैम, आखिरी सवाल, आप महिला हैं, सांसद हैं, यहाँ पर प्रपोजल दिया गया था जिस तरह से एयरपोर्ट पे फीडिंग रूम होता है उसी तरह फीड रूम एक रेलवे स्टेशन पे भी होना चाहिए जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकें। मैं मतलब उसमें कोई तकलीफ वाली चीज़ नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। वो 10 दिन में कह रहे हैं, वो बना रहे हैं तो वो बन भी जाएगा और आपको दिखने को भी मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेकिन इसको कल्चरल दृष्टि से एक बात कहना चाहती हूँ, भारत के अंदर स्तनपान करने वाली माओं की
तरफ ना तो कोई दिखता है, और वो हमारे संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा है कि हमें उसकी कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उन लोगों का विषय है जो कि दूसरी सभ्यता में रहते हैं, जहाँ पे स्तनपान बिल्कुल बंद कर दिया था, और अब शायद उन सबको समझ आ रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सबसे अधिक उन महिलाओं के बीच में होते हैं जो स्तनपान नहीं करती हैं। लेकिन ये बात शायद कोई डॉक्टर बोल के राज़ी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।